नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एआई पर चर्चा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे एडवांस्ड ह्यूमनाइड के बारे में, जिसका नाम है अमेथा और इसको बनाया है इंजीनियर्ड आर्ट नाम की यूके बेस्ड फर्म ने। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप भी दिखाऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे अमेथा जो है वो ह्यूमंस की तरह हमारे आपके जैसे वो हर एक एक्सप्रेशन को जो है वो शोकेस कर सकता है और साथ ही साथ हमारी और आपकी हर एक मूवमेंट को जो है वो दिखा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है देखिए, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे उसकी आर्म्स की मूवमेंट हो रही है। अभी आप देखिएगा सिर्फ इसके, ये देखिए दोस्तों कैसे इसकी आई बॉल्स जो है वो मूव कर रही हैं, साथ ही साथ इसके जो लिप्स की मूवमेंट है, हेड्स की मूवमेंट है, सब कुछ आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही साइमल्टेनियस है, बहुत ही सिंक है, राइट। हैंड्स की मूवमेंट को आप देखिए। तो इससे जो है ये बात जाहिर होती है कि बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब हमारे आपके साथ हमारे वर्क प्लेस पे ऐसे ह्यूमनाइड्स जो है वो काम करेंगे और यही हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता है। So, किसी भी ह्यूमनाइड को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि आपको जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो ह्यूमन लाइक बनाना पड़ता है। और यहीं पर इंजीनियर्ड आर्ट जो है वो इसको बोलता है आर्टिफिशियल बॉडी। और वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल बॉडी के बीच में जो है वो एक बहुत तगड़ा सामंजस्य होना चाहिए, तभी हम जो है वो एक अच्छा ह्यूमनाइड बना सकते हैं। और इन्होंने जो है वो दो चीजों पर मेजरली फोकस किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइटियम इनका अपना खुद का एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड जितनी भी चीजें होती हैं उसको देख रेख करता है, उसको जो है वो मैनेज करता है। और साथ ही साथ हार्डवेयर की जब बात आती है तो हार्डवेयर के लिए इन्होंने अपनी खुद की एक मैसमर टेक्नोलॉजी जो है वो बनाया है, जिसकी हेल्प से ये इतने जबरदस्त ह्यूमनाइड्स बना पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ट्राइटियम काम कैसे करता है। So, अगर हम बात करें ट्राइटियम की एक्यूरेसी लेवल की, तो आप देख सकते हैं कि जो है वो हर एक मोमेंट की, ह्यूमंस की जो है वो हर एक मोमेंट को देखिए कैसे प्रॉपर इसमें जो है वो मैकेनिज्म बनाया गया है कि इधर नेक पिच होगा तो प्लस माइनस 12.5 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं हेड पिच कैसे होगा, उसकी क्या डिग्रीज होंगे, नेक रोल होंगे तो वो कितना प्लस 15 से माइनस 15 होगा। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर, देखिए हेड रोल को कैसे करना है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट कहाँ पर होगा, देखिए हर एक चीज़ को जो है वो बहुत ही अच्छे से इसमें एक्यूरेसी के साथ जो है वो डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि हर एक मूवमेंट के लिए यहाँ पर जो है वो पहले से ही एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है, शोल्डर रोल, शोल्डर यॉ, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फेशियल एक्सप्रेशन की, तो देखिएगा आप कितने जबरदस्त बिग स्माइल, यॉन, थॉटफुल, आप देख पा रहे हो डिफरेंस आपको दिख रहा है, फ्रॉन, सरप्राइज्ड, एंग्री, और इतना ही नहीं, जॉय, स्नियर, वरीड, तो इतने बहुत सारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको जो है वो इन्होंने पहले से ही इसमें एडजस्ट किया हुआ है कि कोई भी ये एक्सप्रेशन जो है वो समझ सकता है, वो ये एक्सप्रेशन खुद भी शोकेस कर सकता है, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके हार्डवेयर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खुद की एक टेक्नोलॉजी है मैसमर टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो बेसिकली फोर स्टेजेस होते हैं। तो स्टेज वन पे ये क्या करते हैं कि फोटोग्रामेट्री करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ये पहले जो है बहुत सारे कैमराज की हेल्प से ह्यूमंस को जो है वो हर एक एंगल से उसके हर एक मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसको जो है वो डेटा को कैप्चर करते हैं, और इस डेटा के बेसिस पे वो क्या करते हैं, एक जो है वो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं हेयर और सब कुछ रहता है, फिर उसको जो है वो क्लीन कर देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपकी जो रॉ बॉडी होती है वो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करते रहते हैं, इसको एक परफेक्ट मॉडल बना देते हैं। इसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है, इसकी सबसे पहले 3D प्रिंटिंग होती है। 3D प्रिंटिंग होने के बाद में जो है यहाँ पर एक सिलिकॉन का मटेरियल भरा जाता है, जिससे जो इसकी स्किन होती है वो ह्यूमन लाइक लगती है, आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद इसको फाइनल टच दे करके हमारे सामने जो हमारा मॉडल है वो तैयार हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा हेड होता है, जो हमने हेड पोर्शन डिजाइन किया होता है, इसको बड़ी आसानी से जो प्री डिफाइंड हमारी प्री डिजाइन बॉडी होती है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे इसमें जो बेसिक कुछ हमें अरेंजमेंट करने पड़ते हैं एनिमेशन के लिए, साउंड के लिए, कैसे उसमें जो जो सेंसर्स वगैरह लगाने होते हैं, वो उसको फाइनल टच दे करके फिर हमारे सामने हमारे फाइनल प्रोडक्ट अमेथा जो है वो रेडी हो जाता है। और अगर बात करें इनके एप्लीकेशन की, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वो दिन अब दूर नहीं जब रिसेप्शन पे आपको जो कई सारे मोनोटोनस टास्क होते हैं उसके लिए आप देख पाएंगे कि ह्यूमनाइड्स बैठे होंगे वहाँ पर, वो आपको गाइड करेंगे, राइट। प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब में मे बी आप ह्यूमनाइड्स का यूज़ कर पाए, और R&D लैब्स होगी, एग्जीबिशंस हो गए, वहाँ पर ये आपको गाइड करेंगे कि इस
चीजों के बारे में कुछ बताना है, राइट। म्यूजियम में आप जाते हैं तो वहां पर अभी क्या होता है, वो लिखा होता है या फिर कोई बंदा वहां पर होता है जो आपको बताता है हर चीज। बट ये काम जो है वो आप ह्यूमनाइट की हेल्प से भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो दिन भी अब दूर नहीं कि जब आप यूनिवर्सिटीज एंड हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है वो रोबोट्स को भी देख सकते हैं लेक्चर लेते हुए। तो आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ में जो AI है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसके एप्लीकेशन भी जो है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप अपने आप को जो है वो अपस्किल करिए AI फील्ड में, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।